बेसिकली आज हमने ये कार्यक्रम रखा। मेरा नाम पंकज कपूर है, मैं कुछ एन जी ओ से जुड़ा हूँ, जैसे कि रोटरी क्लब मिड टाउन पंचकूला में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि जो हमारे पुलिस भाई हैं बेसिकली जो कोरोना वॉरियर्स हैं, तो नेचुरल तरीके से वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करें उसके ऊपर आज हमारा प्रोग्राम था कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेस कैसे होती है और इम्यूनिटी क्या क्या फैक्टर है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेस करते हैं, उसके अलावा हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए क्या करें और नेचुरल तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हमने टिप्स दी कि हम कैसे कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। इसमें सबसे पहले जो है हमने फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यूनिटी स्ट्रेस के लिए, जैसे कि सबसे पहले हमारा मेजर फैक्टर जो इम्यूनिटी को डाउन करता है वो स्लीप है, क्योंकि मिनिमम 6 से 8 घंटे स्लीप लेना बहुत जरूरी है। यदि हम 6 से 8 घंटे स्लीप नहीं देते हैं तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेस होती है। उसके अलावा जो मेजर फैक्टर है आज के डेट में स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बेसिकली कोर्टिसोल लेवल होता है स्ट्रेस हार्मोन, जैसे ही हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो हमारे कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कोर्टिसोल का लेवल अगर बॉडी में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल जो रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी हमारे हार्ट के डिजीज है या हमारे डिसलिपिडी में जिसे हम कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी करते हैं, तो वो सभी हमारे कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से होते हैं और कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से। तो हम स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें उसके ऊपर हमने टिप्स दिया। नेचुरल तरीके से स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए जैसे प्राणायाम, प्राणायाम का सबसे जो मेजर रोल है हमारे को स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, ऐसे ही प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है वो हमारे स्ट्रेस को रिमूव करता है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम में हम 2 से 3 सेकंड में सांस लेते हैं, 2 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ते हैं। जैसे हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सेल्स में टिश्यूज में ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। तो सबसे जो मेजर आज की डेट में रोल है अगर नेचुरल तरीके से हमने अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है तो वो है